गुड इवनिंग बच्चों, मैं रोहित गर्ग आपका फिजिक्स टीचर, और हमारा चैप्टर चल रहा है न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। और बच्चों, हमने लास्ट क्लास के अंदर कुछ क्वेश्चंस किए थे, कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क दिए थे, और चलिए उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब हमारे सामने एक क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पे हमने फाइंड आउट करना है एक्सेलेरेशन ऑफ ब्लॉक्स एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है कि आप जब भी आपको क्वेश्चन दिया जाए तो आपने फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करनी है। तो फ्री बॉडी डायग्राम के लिए आप यूज करोगे W, T एंड N थ्योरी। व्हाट इज W? W इज वेट, हमेशा नीचे की तरफ लगेगा। व्हाट इज T? टेंशन। टेंशन को शो करने का स्ट्रिंग के अंदर तरीका होता है कि एरोज एक दूसरे की तरफ। और व्हाट इज N? N इज नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, तो यहां पे जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, जिनके पास भी मास है बच्चों, उसके ऊपर वेट लगेगा। तो एक 1 केजी का मास है तो यहां पे लगेगा वेट नीचे की तरफ कितना, 10 न्यूटन। और एक 2 केजी का मास है तो यहां पे लगेगा वेट नीचे की तरफ कितना, 20 न्यूटन। तो वेट का काम खत्म। अब बात करेंगे हम टेंशन की। अब ये देखिए स्ट्रिंग, एक ये इस तरफ स्ट्रिंग घुमा, फिर पुली के ऊपर से घुमा, फिर यहां पे आया, फिर ये दूसरी पुली के ऊपर से घुमा और यहां तक। तो बेसिकली देखिए स्ट्रिंग बच्चों ऐसे जा रही है। अब क्योंकि ये एक ही स्ट्रिंग है तो इसके अंदर टेंशन क्या रहेगी, सेम रहेगी। और टेंशन को दिखाने का तरीका है बच्चों टी, यहां पे नीचे की तरफ टी, यहां पे ऊपर की तरफ टी, और यहां पे नीचे की तरफ टी। सिमिलरली अदर साइड पे, यहां पे ऊपर टी और यहां पे नीचे टी। अब अगर मैं इस पुली के ऊपर फोकस करता हूं बच्चों, ये वाली पुली के ऊपर फोकस करता हूं मैं, तो हमें एक चीज पता है कि पुली बीइंग मासलेस, जो कि मैंने आपको कल बताया था, पुली बीइंग मासलेस, तो इसके ऊपर नेट फोर्स क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। तो यहां पे जो टेंशन आएगी बच्चों, ये ऐसे आएगी 2t एंड 2t। अब ब्लॉक्स के पास एक्सेलेरेशन किसी भी डायरेक्शन के अंदर अज्यूम कर सकते हो। मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, एक्सेलेरेशन दोनों पे नीचे की तरफ अज्यूम करता हूं कि 2 केजी के पास भी नीचे की तरफ एक्सेलेरेशन a1 और 1 केजी के पास भी नीचे की तरफ एक्सेलेरेशन a2। तो टेंशन का काम खत्म, ब्लॉक्स के साथ कोई भी कांटेक्ट नहीं है, तो यहां पे कांटेक्ट फोर्स भी खत्म। तो चलिए, अब हमने फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लिए और इनकी इक्वेशंस लिखते हैं बच्चों यहां पे। अब अगर मैं 1 केजी ब्लॉक की बात करूं तो 1 केजी पे नीचे की तरफ फोर्स लग रही है बच्चों कितनी, 10 न्यूटन। ऊपर लग रही है 2t और इसकी एक्सेलेरेशन है नीचे की तरफ a2। 2 केजी की बात करता हूं तो 2 केजी पे नीचे लग रहा है 20 न्यूटन, ऊपर लग रहा है टी और इसकी एक्सेलेरेशन नीचे की तरफ a1। तो चलिए इक्वेशन लिखते हैं। सबसे पहले 1 केजी की इक्वेशन लिख रहा हूं मैं, 10 माइनस 2t इज इक्वल टू 1 इंटू a2। ये बच्चों मैंने क्या लिखा है, ये मैंने न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के अंदर सेकेंड लॉ का यूज किया, दैट इज समेशन ऑफ फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलेरेशन। यानी कि जिस तरफ नेट फोर्स लगेगी उसी तरफ ऑब्जेक्ट की एक्सेलेरेशन होगी। आप यहां पे देख सकते हो एक्सेलेरेशन नीचे की तरफ है, तो डेफिनेटली 10 न्यूटन और 2t में से डोमिनेट कौन करेगा, 10 न्यूटन डोमिनेट करेगा। तो यहां पे इसकी इक्वेशन आएगी 10 माइनस 2t इज इक्वल टू 1 इंटू a2। सेकेंड ब्लॉक के पास चलते हैं बच्चों, यहां पे नीचे लग रहा है 20, ऊपर लग रहा है 1 और इसकी एक्सेलेरेशन है नीचे की तरफ a1। तो मैं इसको लिखूंगा 20 माइनस t इज इक्वल टू 2a1। जो बच्चे आज नए हैं, हो सकता है उनको चीजें समझ ना आ रही हो, तो बच्चों पेशेंस रखना, थोड़ी सी पुरानी वीडियोस आपको रेफर करनी पड़ेंगी, आपको टॉपिक समझ आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो दो इक्वेशन बन चुकी है बच्चों। और जो हमारी थर्ड इक्वेशन होती है वो हम किससे बनाते हैं, हमारी थर्ड इक्वेशन बनती है समेशन ऑफ टी डॉट ए इज इक्वल टू 0। अब कितने ब्लॉक्स है सर, 2 ब्लॉक्स है। ठीक है, एक के ऊपर की तरफ लग रहा है 2t और नीचे की तरफ है a2। एंगल इज हाउ मच, 180 डिग्री। सेकेंड ब्लॉक में ऊपर लग रहा है टी और नीचे की तरफ एक्सेलेरेशन है a1 और उसके अंदर भी एंगल कितने बच्चों, 180 डिग्री। तो देखिए यहां से इक्वेशन क्या बनेगी, 2t इंटू a2 cos 180 प्लस टी इंटू a1 cos 180 एंड इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 0। तो यहां पे आएगा माइनस 2t a2 माइनस टी a1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि cos 180 कितना होता है बच्चों, -1। तो आपके पास यहां पे इक्वेशन आ जाएगी कि a2 into 2 is equal to minus a1, थर्ड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास ये थी बच्चों, 10 माइनस 2t इज इक्वल टू 1a1। सेकेंड इक्वेशन हमारे पास थी बच्चों
20 minus t is equal to 2a2 and third equation is 2a2 is equal to minus a1. अब हमने इनको सॉल्व करना है और तीनों वेरिएबल्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. चलिए हम इन इक्वेशंस को फिर से लिख लेते हैं. 20 minus 2t is equal to 1a1 first equation. सेकंड इक्वेशन आई थी हमारे पास बच्चों 20 minus t is equal to 2a2. This is a2 and this is a1. Sorry. This is a2 and this is a1. And last equation was 2a2 is equal to minus a1. चलिए मैं second equation को 2 से multiply करता हूँ. जैसे मैं यहाँ पे इसको 2 से multiply करता हूँ, तो मेरे पास ये equation बन जाएगी बच्चों 40 minus 2t is equal to 4a1. और second equation मेरे पास है 10 minus 2t is equal to 1a2. और मैं यहाँ पे a1 की value put कर सकता हूँ. a1 की value मेरे पास कितनी आएगी बच्चों? a1 is equal to minus of 2a2. तो जैसे मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 40 माइनस 2t इज इक्वल टू 4. 4 की जगह पे हो जाएगा 4 इंटू 2 8. 8 और यहाँ पे माइनस और यहाँ पे a2 एंड 10 माइनस 2t इज इक्वल टू a2. तो चलिए माइनस करते हैं यहाँ पे. जैसे मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ माइनस प्लस माइनस तो ये कैंसिल आउट. तो यहाँ पे 30 इज इक्वल टू माइनस 9a2. तो a2 इज कमिंग आउट टू बच्चों माइनस ऑफ 30 डिवाइडेड बाय 9. तो इट इज कमिंग आउट टू माइनस ऑफ 10/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. अब इस माइनस का क्या मतलब है कि हमने जिस तरफ एक्सेलेरेशन अज्यूम की थी, एक्सेलेरेशन उस तरफ ना होकर के उसके ऑपोजिट साइड, यानी कि ये जो a2 वाला है बच्चों, ये नीचे ना आकर के किस तरफ जाएगा? ऊपर की तरफ. कितने से? 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से. तो इसलिए यहां पर माइनस आया. अब हमने कैलकुलेट करना है a1, और a1 क्या था बच्चों? माइनस ऑफ 2 टाइम्स a2. a1 इज माइनस ऑफ 2 टाइम्स a2. तो मैं a1 को लिख सकता हूं a1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2 इनटू माइनस 10/3. तो इट इज कमिंग आउट टू बी 20/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो ये थी बच्चों एक्सेलेरेशंस की वैल्यू. अब आप क्या कर सकते हो, यहां से टेंशन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो. अब हमने फाइंड आउट करना है बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर भी टेंशन कितनी है स्ट्रिंग के अंदर, एक्सेलेरेशन कितनी है और कितना, ये सब कुछ दिया हुआ है हमारे पास. अब आप देख सकते हो थ्योरी क्या है, डब्ल्यू टी एंड एन. इससे ऊपर हमारे पास कोई भी थ्योरी नहीं है. वेट लगेगा? यस सर, वेट लगेगा. कितने ब्लॉक्स हैं? 3 ब्लॉक्स हैं. तीनों के पास मास है तो डेफिनेटली सब पे वेट लगेगा. 2 पे लगेगा बच्चों नीचे की तरफ कितना? 20 न्यूटन. 3 पे लगेगा नीचे की तरफ कितना? 30 न्यूटन. और 1 पे लगेगा नीचे की तरफ कितना? 10 न्यूटन. वेट खत्म. ब्लॉक का किसी भी चीज का कोई भी कांटेक्ट नहीं है तो वहां पे कांटेक्ट फोर्स नहीं आएगी. अब बचती है टेंशन. कितनी स्ट्रिंग्स हैं सर? 2 स्ट्रिंग्स हैं. एक तो ये नीचे वाली पुली के ऊपर घूम रही है ऐसे, और दूसरा इस पुली को ऊपर के साथ बांध रही है. तो बच्चों एक स्ट्रिंग के अंदर टेंशन सेम रहती है, दूसरी स्ट्रिंग के अंदर टेंशन चेंज हो जाती है. तो इस चीज का ध्यान रखना. अब यहां पर मैं टेंशन दिखाता हूं टी एन टी. सिमिलरली यहां पे भी टेंशन टी नीचे और यहां पे टेंशन टी ऊपर. तो अगर मैं स्ट्रिंग के अंदर टेंशन दिखाऊं बच्चों, यहां पे नीचे की तरफ 2t, तो यहां पे ऊपर की तरफ कितना आ जाएगा? यहां पे 2t. रीजन बीइंग पुली बीइंग मासलेस. यहां पे जो पुली है वो मासलेस है तो उसके ऊपर नेट फोर्स क्या होनी चाहिए बच्चों? 0 होनी चाहिए. यहां पे 2t तो यहां पे भी कितना आएगा? 2t. सिमिलरली यहां पे भी 2t और यहां पे ऊपर की तरफ 2t. अब बच्चों हमें पता चल रहा है कि 1 kg डेफिनेटली किस तरफ जाएगा? ऊपर की तरफ. तो इसकी एक्सेलेरेशन मान लीजिए ऊपर की तरफ a1. ठीक. 3 kg मान लीजिए नीचे की तरफ जा रहा है. कितने से? a3 से. और 2 kg मान लीजिए, लेट्स सपोज के नीचे की तरफ ही जा रहा है. कितने से? a2 से. आप रैंडम डायरेक्शन अज्यूम कर लीजिए, आपको कुछ भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल अज्यूम कीजिए. ठीक है, अब देखते हैं बच्चों इसकी इक्वेशंस बनाते हैं. ब्लॉक कौन कौन से सर? एक तो मेरे पास है 1 kg ब्लॉक. ऊपर लग रहा है इसके 2t, नीचे लग रहा है 10 न्यूटन, और इसकी एक्सेलेरेशन मैंने अज्यूम की है ऊपर की तरफ, दैट इज a1. फिर मेरे पास है बच्चों कौन सा ब्लॉक? 2 kg ब्लॉक. इस पे नीचे लग रहा है 20 न्यूटन, ऊपर लग रहा है टी, और एक्सेलेरेशन नीचे की तरफ कितनी? a2. एंड थर्ड ब्लॉक इज 3 kg ब्लॉक. 3 kg पे नीचे लग रहा है 30 न्यूटन, ऊपर लग रही है टी, और इसकी एक्सेलेरेशन नीचे की तरफ कितनी? a3. तो बस बच्चों अपने क्या करनी है, इक्वेशंस लिखनी है. तो देखिए इक्वेशंस कैसे लिखेंगे. तो 1 kg के लिए आएगा 10,
सॉरी एक्सेलेरेशन ऊपर, तो कौन सी फोर्स डोमिनेट करेगी? 2t डोमिनेट करेगी. तो यहां पे आएगा 2t माइनस 10 इज इक्वल टू 1a1, पहली इक्वेशन. सेकेंड आएगी 2kg से, इसकी एक्सेलेरेशन बच्चों मैंने किस तरफ अज्यूम किया, नीचे की तरफ a2. तो 20 और t में से डोमिनेट कौन करेगा? 20 डोमिनेट करेगा, क्योंकि जिसकी लाठी उसकी भैंस. तो 20 स्ट्रॉन्ग है, एक्सेलेरेशन नीचे की तरफ है. तो 20 माइनस t इज इक्वल टू 2a2, दैट इज सेकेंड इक्वेशन. एंड थर्ड, ऊपर t नीचे 30 और एक्सेलेरेशन नीचे की तरफ, तो मैं इसको लिख सकता हूं 30 माइनस t इज इक्वल टू 3a3. तीन इक्वेशन आ चुकी है, पर बच्चों हमारे पास जो वेरिएबल है वो चार है. कौन कौन से? टी, a1, a2, a3. तो अब एक इक्वेशन और लिखनी है यहां पे. अब ध्यान सुनना, वो इक्वेशन क्या आएगी यहां पे? दैट इज गोइंग टू बी समेशन ऑफ, दैट इक्वेशन इज समेशन ऑफ टी डॉट ए इज इक्वल टू 0. तो अगर मैं बात करूं 1kg की, ऊपर लग रहा है 2t, ऊपरी की तरफ एक्सेलेरेशन इसकी a1. 1kg 2kg ब्लॉक के लिए देखो बच्चों, ऊपर है टेंशन t और नीचे की तरफ एक्सेलेरेशन है a2. एंड 3kg की बात करूं, ऊपर है टेंशन t और नीचे की तरफ एक्सेलेरेशन है a3. दिस एंगल इज 180, दिस इज 180, और इसके अंदर कितना है? 0. ये यहां पे नहीं है, ये गलती से है, तो आप इसको रब कर सकते हो. ठीक है, तो चलिए अब लिखते हैं बच्चों इनकी इक्वेशंस. तो यहां पे आएगा 2t into a1 cos 0 plus t into a2 cos 180 plus t into a3 cos 180 and it is going to be equal to 0. Cos 0 is 1, cos 180 is minus 1 and again cos 180 is minus 1. तो आपके पास आएगा 2t a1 minus t a2 minus t a3 is equal to 0. तो यहां पे आपके पास बच्चों इक्वेशन क्या आएगी? 2a1 is equal to a2 plus a3. तो ये आपके पास फोर्थ इक्वेशन आ चुकी है. अब हमने क्या करना है बच्चों? फाइंड आउट करना है. तो देखिए कैसे एक्सेलेरेशन को आप फाइंड आउट कर सकते हो. लिख लीजिए साइड पे, लिख लीजिए इक्वेशंस. यहां पे हमारे पास आया 2a1 और इज इक्वल टू a2 प्लस a3. और ऊपर वाली हमारी इक्वेशंस क्या थी बच्चों? ये हमारी इक्वेशंस लिखी हुई है, 2t माइनस 10 इज इक्वल टू a1. 2t माइनस 10 इज इक्वल टू a1. सेकेंड इक्वेशन क्या थी बच्चों हमारे पास? 20 माइनस t इज इक्वल टू 2a2. 20 माइनस t इज इक्वल टू 2a2. एंड थर्ड इक्वेशन इज 30 माइनस t इज इक्वल टू 3a3. अब इनकी हेल्प से बच्चों हमने क्या फाइंड आउट करना है? टी ए वन एंड ए टू फाइंड आउट करना है. अब यहां पे एक चीज नोटिस करने वाली बात क्या है बच्चों? यहां पे आपको एक चीज नोटिस करनी जो आपने ध्यान रखना है. अब ध्यान सुनना, मैं जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूं. हमारे पास ये पुली थी ऊपर वाली, उसके ऊपर से स्ट्रिंग आ रही थी. यहां पे नीचे पुली थी, इसके ऊपर से ब्लॉक्स जा रहे थे 3kg, 2kg, 1kg. ये वाली पुली यहां पे फिक्स थी और ये पुली फ्री टू मूव थी. अब यहां पे बच्चों जो 1kg ब्लॉक है वो ऊपर जा रहा है, मान लीजिए a1 एक्सेलेरेशन से. 1kg क्या ऊपर की तरफ a1 से, तो आपकी जो पुली है, ये वाली पुली जो फ्री टू मूव है, वो भी किस तरफ आ रही है? नीचे की तरफ. कितने से? a1 एक्सेलेरेशन से. क्योंकि यहां पे ये धागा और ये धागा दोनों एक ही सिंगल स्ट्रिंग है, दिस इज अ सिंगल स्ट्रिंग. तो सिंगल स्ट्रिंग के अंदर मैं कह सकता हूं कि दोनों एंड्स की एक्सेलेरेशन क्या होगी? सेम होगी, अगर स्ट्रिंग ये टूट नहीं रही है तो. अब सुनना बच्चों, अब कायदे से हो क्या रहा है यहां पे? कायदे से a3 ने जाना था नीचे, मैं इसको कह रहा हूं a रिलेटिव, और a2 ने जाना था ऊपर, इसको भी मैं कह रहा हूं a रिलेटिव, क्योंकि हमें पता है कि 2 और 3 सेम एक्सेलेरेशन से चलेंगे. पर अब इनकी एक्सेलेरेशन डिफरेंट क्यों आ रही है? यानी कि मैंने 2kg की a2 क्यों मानी और 3kg की a3 क्यों मानी? ध्यान से सुनना. अब आप इस चीज को अज्यूम करो बच्चों, ये जो ऊपर वाली पुली है, दिस इज इक्विवेलेंट टू कि जैसे एक यहां पे गाड़ी है और ये गाड़ी किस तरफ जा रही है बच्चों? नीचे की तरफ. कितनी एक्सेलेरेशन से? a1 से. इसके ऊपर ये जो 2kg ब्लॉक है,
इसको आप अज्यूम करो कि ये मान लीजिए एक बंदर है और ये बंदर इस गाड़ी के ऊपर भाग रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में, कितने से, ए आर से। तो यार सोच करके बताना ये बंदर, अच्छा और मैं कह रहा हूं कि ए वन जो है बड़ा है किससे, ए आर से, तो ये बंदर नेट किस तरफ जा रहा होगा, ऊपर जा रहा होगा या नीचे जा रहा होगा। हाँ जी मेरा क्वेश्चन क्या है कि मान लीजिए जो पुली है ये जो फ्री टू मूव वाली पुली है इसको आप ट्रक की तरह ज्यूम कर लीजिए और ये जो 2 kg ब्लॉक है ये बंदर की तरह ज्यूम कर लीजिए। ट्रक जा रहा है A1 से नीचे और बंदर जा रहा है AR से ऊपर, तो नेट बंदर किस तरफ जा रहा होगा। बिल्कुल सही, तो आपने आंसर दिया कि वो नीचे जा रहा है। तो आपको ये समझ आ रहा है कि यहाँ पे बच्चों क्या लग रहा है, रिलेटिव मोशन लग रहा है। तो इस 2 kg वाले ब्लॉक की जो नेट एक्सेलरेशन होगी दैट इज गोइंग टू बी नीचे की तरफ कितनी, A1 माइनस AR, ठीक है, किस तरफ, डाउनवर्ड्स। और अब मैं आपको कुछ टर्म्स बताना चाहता हूं। तो ये जो बच्चों an माइनस ar आया है इसी को मैंने क्या बोला, a2, एंड दिस इज एक्सेलेरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। व्हाट इज एयर, एक्सेलेरेशन ऑफ ब्लॉक, कौन सा ब्लॉक, 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू मूविंग पुली। मेरी बात समझ आई बच्चों? तो यहां पे मैं कह सकता हूं कि बच्चों A3 क्या था, A3 वॉज एक्सेलेरेशन ऑफ 3 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो अगर बाय चांस ऊपर वाले क्वेश्चन के अंदर, अगर इन इक्वेशंस के अंदर आपको सॉल्विंग के अंदर कोई दिक्कत आए तो आप बच्चों A2 की वैल्यू पुट क्या कर देना, A2 इज गोइंग टू बी A1 माइनस AR एंड A3 की वैल्यू को आप पुट कर देना A1 प्लस AR। तो जैसे आप इसको ऐसे पुट करोगे तो आपकी जो सॉल्विंग है बड़ी इजी हो जाएगी, तो वहां से आपके जो वेरिएबल है वो रिड्यूस हो जाएंगे, ठीक है, और आपकी सॉल्विंग हो जाएगी, ठीक है बच्चों। तो इस चीज के कारण हो सकता है आपकी सॉल्विंग ना हो रही हो, ठीक। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इस चीज का ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट इज बच्चों मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन। तो काइंड ऑफ नया टॉपिक है, तो जो बच्चे अभी ज्वाइन किए तो उनको हल्का हल्का समझ आना शुरू हो जाएगा। इंक्लाइंड प्लेन या फिर बच्चों आपको ये बोला जाएगा दिस इज वेज, नॉट इज वेज। आपने लड़की का सैंडल देखा होगा, ठीक है, शायद अभी आपकी एज नहीं है तो आप सैंडल देखने में परहेज ही करें, ठीक है। तो जो लड़कियों का सैंडल होता है उसको उसको क्या बोला जाता है, इस चीज को बोला जाता है बच्चों वेज हील, राइट। और वो जो देखा होगा वो ऐसे 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 टाइप होती है, ऐसे यहां पे नीचे से ऐसे एक्स्ट्रा, मतलब उसको इंक्लिनेशन दी होती है, तो उसी से इस चीज का नाम चुराया है और इस चीज को बोला जाता है वेज, ठीक है। अब आपने क्या किया, इस वेज के ऊपर यहां पे क्या रख दिया, एक ब्लॉक रख दिया, ठीक है, और यहां पे ग्रेविटी, और ये वेज किसके ऊपर पड़ा हुआ है, ये वेज ग्राउंड के ऊपर पड़ा हुआ है, ठीक, और ये स्मूथ है यानी कि यहां पे कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, नो फ्रिक्शन। तो जैसे ही आपने इस ब्लॉक को रिलीज किया तो वो ब्लॉक क्या करेगा, स्लाइड करेगा इसे। हमें पता बचपन में जाते थे हम झूले के ऊपर चढ़ते थे, ऐसे सीढ़ियां चढ़ करके उसके ऊपर जाकर के बैठ जाते थे और फिर आराम से सरक करके नीचे आ जाते थे। तो सिमिलरली ये ब्लॉक भी क्या करेगा, सरकेगा किस तरफ, नीचे की तरफ। अब देखिए कैसे सरकेगा और क्यों सरकेगा, और यही चीज हमने ध्यान में रखनी है। मैं इसके फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने सिखा रहा हूं बच्चों, ये काफी इंपॉर्टेंट है और ये बेस है। अब हमारा सर वेज कैसा दिखता है, ये हमारा वेज है, ठीक, यहां पे ग्राउंड, इसके ऊपर आपने रख दिया ब्लॉक, ब्लॉक का मास m, थ्योरी बिल्कुल सिंपल सी है, w t एंड n, वेट लगेगा, यस सर वेट किस, अच्छा ये एंगल कितना दे रखा है, थीटा। नाउ व्हाट इज थीटा, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, थीटा इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। सर वेट लगेगा, यस सर वेट लगेगा, किस तरफ लगेगा, नीचे की तरफ, तो चलिए वेट दिखाइए नीचे की तरफ mg, क्योंकि ये जो बच्चा वेज है ना ये धरती माता के ऊपर रखा हुआ है, जैसे ऐसे नीचे धरती माता है,
तो डेफिनेटली कोई भी चीज इसके ऊपर रख दोगे तो जो वेट होता है वो हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ लगता है। तो ये अपनी अर्थ है नीचे, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको ऐसे दिखा दिया कि जो वेट लग रहा है वो नीचे की तरफ, और ये सरफेस के हमेशा क्या होगा बच्चों, परपेंडिकुलर। जो हॉरिजॉन्टल सरफेस होगा उसके जो वेट होगा हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो वेट का काम खत्म। कोई धागा कहीं पे अटैच्ड है? नहीं सर, कोई भी स्ट्रिंग मुझे अटैच्ड दिखाई नहीं दे रही है तो टेंशन नहीं आएगी। कॉन्टैक्ट फोर्स? यस सर, कॉन्टैक्ट है। किस किस के बीच में कॉन्टैक्ट है बच्चों? ब्लॉक और वेज के बीच में कॉन्टैक्ट है। कॉन्टैक्ट फोर्स हमेशा लगती है परपेंडिकुलर टू द सर्फेस इज इन कॉन्टैक्ट। ये ब्लॉक, ये इंक्लाइन प्लेन, दोनों कॉन्टेक्ट में, दोनों कैसे पुश कर रहे होंगे? ये वाला हाथ देखिए, ये ब्लॉक इसको पुश कर रहा होगा इस तरफ नीचे की तरफ, और ये इंक्लाइन प्लेन किस तरफ पुश कर रहा होगा? ऊपर की तरफ। तो अगर मैं यहां पे कह सकता हूं कि जो मास m है उस पे जो कॉन्टेक्ट फोर्स लगेगी बच्चों वो लगेगी ऐसे, देखिए ऐसे ऊपर की तरफ n, ठीक है। अब क्या करते हैं, फोर्सेस को रिजोल्व करते हैं। यहां पे एक छोटी सी ट्रिक है बच्चों। ट्रिक क्या है, पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऑलवेज रिजोल्व फोर्सेस अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन। हमेशा जो बच्चों फोर्सेस हैं उनको किस तरफ रिजोल्व करें, उनको हमेशा इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग और उसके परपेंडिकुलर ही क्या करें, रिजोल्व करें। परपेंडिकुलर मतलब ये डायरेक्शन बच्चों, और अलोंग मतलब ये डायरेक्शन। देखिए दिस इज अलोंग एंड दिस इज परपेंडिकुलर। अगर आपको याद होगा तो हमने प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर भी यही चीज स्टडी की थी, ऊपर वाई और इस तरफ एक्स। अब बच्चों इंक्लाइन प्लेन का एक छोटा सा मैथ्स है जो आप दिमाग में रख सकते हो, बड़ा ही इजी सा मैथ्स है। अगर ये एंगल थीटा है और आप यहां पे आपने ड्रॉ किया नॉर्मल, ठीक है, ये एंगल बना रहा है 90, और आप एक नॉर्मल ऐसे नीचे की तरफ ड्रॉ कर रहे हो जो इसके साथ हॉरिजॉन्ट के साथ 90 बना रहा है। अब ध्यान सुनना बच्चों, यहां पे अगर ये थीटा है, ये 90 है, तो ये जो बचा हुआ एंगल है ये आ जाएगा 90 माइनस थीटा। तो ये एंगल जो ये डॉटेड लाइन और सॉलिड लाइन, दिस इज सॉलिड लाइन एंड दिस वन इज डॉटेड लाइन। तो ये एंगल जो सॉलिड और डॉटेड आपस में बना रही है बच्चों, ये एंगल कितना आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। और यही चीज मैंने आपको इंक्लाइन प्लेन के अंदर भी बताई थी। कहने का मतलब अगर मैं इस यहां पे नॉर्मल को इस तरफ एक्सटेंड कर दूं तो mg बिल्कुल नीचे की तरफ, डॉटेड और mg आपस में बच्चों कितना एंगल बनाएंगे, थीटा। जितना इंक्लाइंड प्लेन हॉरिजॉन्टल के साथ बना रहा होगा उतना ही ये mg उस नॉर्मल के साथ बना रहा होगा। बिल्कुल सिंपल सी ज्योमेट्री है, आप देख सकते हो दिस इज थीटा, दिस इज 90, दिस एंगल इज गोइंग टू बी 90 माइनस थीटा, और बच गया कितना, ये थीटा, क्योंकि ये जो नॉर्मल है ये इंक्लाइंड प्लेन के साथ कितना एंगल बना रहा है, 90। तो सिंपल बच्चों मैंने मैथ्स यूज किया 9th क्लास का, कोई भी इसके अंदर रॉकेट साइंस मैंने नहीं बताई है। अब फोर्सेस को करना है रिजोल्व। देखिए फोर्सेस को वो कैसे रिजोल्व करेगा। अब यहां पे है हमारा इंक्लाइन प्लेन, ठीक, ब्लॉक रखा था सर, परपेंडिकुलर टू द प्लेन लग रही है हमारी कॉन्टेक्ट फोर्स, दैट इज एन। एमजी आपने दिखाया था नीचे की तरफ, और एन के साथ ही एंगल बना रहे बच्चों थीटा। तो एमजी का कॉम्पोनेंट perpendicular to the plane, mg का component perpendicular to the plane is going to be mg cos theta। सोच करके देखो बच्चों, जिस तरफ theta होता है उस तरफ हमेशा क्या आता है, cos component आता है, और mg का component along the plane is going to be mg sin theta। मैं बार बार repeat कर रहा हूं, mg का component perpendicular to the inclined plane is going to be mg cos theta, this is perpendicular, एंड mg sin, mg का कॉम्पोनेंट अलोंग द प्लेन इज गोइंग टू बी mg sin थीटा। अब ये ब्लॉक बच्चों किस तरफ सरक रहा है, अलोंग द प्लेन सरक रहा है, ठीक है। तो यानी कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन ये नहीं जा रहा है, यानी कि वो वेज को तोड़ के उसके अंदर नहीं घुस रहा है। ये देखिए परपेंडिकुलर मतलब इस डायरेक्शन में से,
वो सरक रहा है ना उसके ऊपर, आप बैठते थे स्लाइड के ऊपर जाकर के आप सरक करके नीचे आते थे, कैसे देखा आपने कि उसको तोड़ करके आप ऐसे नीचे करके परपेंडिकुलर टू इट, नहीं ऐसा कभी नहीं होता था। रीजन बीइंग ये जो एन है वो उसको क्या कर रहा है, बैलेंस। तो यहाँ पे बच्चे जो एन का वैल्यू आएगा दैट इज गोइंग टू बी एम जी कॉस थीटा, और क्योंकि एम जी साइन थीटा को रोकने के लिए कोई है नहीं यहाँ पे, एम जी साइन थीटा को रोकने के लिए कोई भी नहीं है यहाँ पे, तो जो आपकी एक्सेलेरेशन होगी दैट इज गोइंग टू बी एम जी साइन थीटा डिवाइडेड बाई एम, तो इट इज कमिंग आउट टू बी जी साइन थीटा। और अगर आपको याद हो मैंने सेम चीज प्रोजेक्टाइल के अंदर आपको बताई हुई है, तो बस आपने ध्यान रखना है जब भी आप इंक्लाइन प्लेन की बात करो, इंक्लाइन प्लेन के अंदर आपको दिमाग में आना चाहिए कि mg के दो कंपोनेंट्स कौन कौन से, एक mg cos थीटा और एक mg sin थीटा। mg cos थीटा हमेशा परपेंडिकुलर टू द प्लेन, mg sin थीटा हमेशा अलोंग द प्लेन, और mg cos थीटा को बैलेंस करने के लिए बाहर की तरफ क्या आएगी बच्चों, नॉर्मल रिएक्शन। बस आपने इतना ही दिमाग में रखना है, इससे ऊपर दिमाग में नहीं रखना है। तो मैंने क्या किया बच्चों, इस चीज की एप्लीकेशन लेते हुए आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन दिया, मैंने क्या किया एक ब्लॉक लिया, ब्लॉक को इंक्लाइन प्लेन के ऊपर रखा, ठीक है ये इंक्लाइन प्लेन अपना फिक्स्ड है, और यहां पे इस ब्लॉक को मैंने स्ट्रिंग से बांध दिया। अब आपको एक चीज की क्लैरिटी हो चुकी है कि सर ये जो ब्लॉक है ये कहीं पे भी मूव नहीं करेगा क्योंकि आपने धागे से इसको बांधा हुआ है। तो चलिए हम फाइंड आउट करना चाहते हैं कि कितनी टेंशन होगी स्ट्रिंग के अंदर। क्या बच्चों आप लॉजिक से, अगर आप लोग सुन रहे हो मुझे ध्यान से समझ रहे हो, तो क्या आप बता सकते हैं इसके अंदर टेंशन कितनी आएगी? चलिए ठीक है मैं आपको समझाता हूँ, सुनना यहाँ पे। अब हमें पता है सर यहाँ पे कौन कौन सी फोर्सेज हैं, डब्ल्यू टी एंड एन। अब वेट लगेगा, यस सर वेट कहेंगे दो कॉम्पोनेंट्स, परपेंडिकुलर आएगा एम जी कॉस थीटा और अलोंग द प्लेन आएगा mg sin theta, वेट का काम खत्म। टेंशन आएगी, यस सर स्ट्रिंग है बिल्कुल है, तो टेंशन कैसे शो करेंगे, टी एंड टी, टेंशन का काम खत्म। कॉन्टेक्ट फोर्स, यस सर आएगी, कॉन्टेक्ट फोर्स किस तरफ, परपेंडिकुलर टू द प्लेन दैट इज n। अब देखा जाए जो n है दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू mg cos theta, क्योंकि ये ब्लॉक ऐसे परपेंडिकुलर मूव नहीं कर रहा है और ये अलोंग भी मूव नहीं कर रहा है, तो टी का वैल्यू यहां पे क्या आ जाएगा बच्चों, एम जी साइन थीटा, दैट इज इट, सिंपल। ठीक है तो चलिए अब एक दो क्वेश्चन मैं आपको और करके दिखाता हूं, फिर कुछ मैं आपको होमवर्क दूंगा करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड एक्सेलेरेशन ऑफ ब्लॉक्स। अब आपने क्या किया बच्चों, वेज लिया और वेज को ऐसे ग्राउंड के ऊपर रख दिया, और आपको एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बच्चों कितना दे रखा है, 30 डिग्री। ठीक, अब आपने फाइंड आउट करनी है ब्लॉक्स की एक्सेलेरेशन। एक क्वेश्चन मैं करके दिखाता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सॉल्व करना। सर बिल्कुल सिंपल सी थ्योरी, थ्योरी है डब्ल्यू टी एंड एन, ठीक वेट लगेगा, यस सर वेट लगेगा 4 kg पे नीचे की तरफ, कितना 40 न्यूटन। अब बच्चों बस अंतर पता क्या आया है, अंतर सिर्फ इतना आया है कि जब भी आप इंक्लाइंड प्लेन वाले के ऊपर फोर्स दिखाओगे ना, तो आप दिखाओगे एम जी साइन थीटा एम जी कॉस थीटा, बस इससे ऊपर और कुछ भी नहीं। तो अगर मैं 2 की बात करूं, अलोंग द प्लेन आएगा 2g sin 30, एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन आएगा 2g cos 30, सिंपल। तो वेट खत्म, टेंशन आएगी, यस सर टेंशन आएगी क्योंकि मुझे स्ट्रिंग दिखाई दे रही है, दिस इज आवर स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग के अंदर टेंशन कुछ टी होगी, तो मैं दिखा देता हूं टी एंड टी, तो यहां पे भी एरोज एक दूसरे की तरफ टी एंड टी, ठीक है सर टेंशन का काम खत्म। अब बात करते हैं कॉन्टेक्ट फोर्स की, वेज और 4 kg के बीच में कोई भी कॉन्टेक्ट नहीं है, तो वहां पे मैं कॉन्टेक्ट फोर्स मानूंगा 0। 2 kg और वेज के बीच में कॉन्टेक्ट है, तो यहां पे बच्चों कॉन्टेक्ट फोर्स आएगी एन ऊपर की तरफ, तो n की वैल्यू तो मेरे पास आ गई बच्चों 2g cos 30, क्योंकि ये 2 kg ब्लॉक उस वेज को तोड़ नहीं रहा है, तो n इज इक्वल टू 2 × 10। नाउ व्हाट इज cos 30, √3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो n इज इक्वल टू 10√3 न्यूटन, न्यूटन यूनिट होता है फोर्स का। अब 2g sin 30 की वैल्यू देते हैं, सर sin 30 होता है 1/2, तो यहां पे आ रहा है 2 × 10 × 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट इज इक्वल टू 10 न्यूटन।
अब हमारे पास ये क्वेश्चन बच्चों क्या रह गया, अब सब कुछ भूल जाओ, अब सब कुछ भूल जाओ, आपके पास क्या आ गया, ये क्वेश्चन कुछ ऐसे आ गया, पुली ब्लॉक 4 kg का ब्लॉक इस तरफ लग रहा है 40 newton, पुली ब्लॉक 2 kg और इसको अलोंग द वेज लग रहा है कितना 10 newton। और अगर मैं बात करूं इस टेंशन की, तो टेंशन यहां पे है कुछ टी, यहां पे टी ऊपर और यहां पे टी इस तरफ। अब बच्चों क्योंकि स्ट्रिंग एक ही है तो टेंशन दोनों ब्लॉक्स की क्या रहेगी, सेम। अब चलिए देखते हैं कि डोमिनेटिंग फोर्स कौन सी है, एक लग रहा है 40, दूसरी तरफ लग रहा है 10, तो डेफिनेटली डोमिनेट कौन कर रहा है बच्चों, 40 डोमिनेट कर रहा है। तो जो 4 kg होगा बच्चों वो जाएगा नीचे ए से, तो जो 2 kg होगा वो जाएगा ऊपर कुछ ए एक्सेलेरेशन से। तो यहां पे बच्चों इक्वेशन लिखना क्या आएगी, अब 4 kg पे फोकस करते हैं, तो डोमिनेटिंग होगा 40 माइनस टी इज इक्वल टू 4a, और यहां पे आएगी अलोंग द प्लेन आएगी टी माइनस 10 इज इक्वल टू 2a, ऐड कर दीजिए बच्चों यहां पे आएगा 30 इज इक्वल टू 6a, तो a इज कमिंग आउट टू बी 5 m/s². और जैसे मैं 5 की वैल्यू इसके अंदर डालता हूं बच्चों, तो t माइनस 10 इज इक्वल टू 2 × 5, तो t का वैल्यू बच्चों मेरे पास आ जाएगा 20 newton। इतनी सी कहानी। उम्मीद करूंगा बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। तो चलिए अभी मैं आपको करने के लिए क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है, आप इस क्वेश्चन पे अपने हाथ अजमाए। मैंने क्या किया है, एक दोनों तरफ से इंक्लाइन प्लेन वाला से वेज दे दिया है, एक तरफ रख दिया 5 kg, एक तरफ रख दिया 2 kg, और ये हमारी है पुली और उसके ऊपर से जा रही है स्ट्रिंग। तो चलिए मुझे बताएं कि टेंशन कितनी होगी स्ट्रिंग के अंदर और एक्सेलेरेशन कितनी होगी। मैं आपको आइडिया देता हूं, साइन 53 इज इक्वल टू कॉस 37 इज इक्वल टू 4:5, एंड साइन 37 इज इक्वल टू कॉस 53 इज इक्वल टू 3:5। तो ये वैल्यूज की आपको जरूरत पड़ने वाली है, तो मैंने आपको वो बता दी है।